तो नाज़रीन, हमने पार्टी कर ली है और अभी एंड टाइम है, तो काफ़ी मज़ा आया है। तो सलमान, मेरे जहन में एक बात आ रही है। जी इब्राहिम, यहाँ पर तो सब ने खा लिया पी लिया, मगर अभी त्रेश का क्या करना है? आप बोले कुछ, त्रेश का क्या करेंगे? हमें त्रेश भी चाहिए कि हम इसको प्रॉपर जगह पर। तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन उन्होंने किया है इब्राहिम ने, इनके जहन में आया है, तो मैं इसको अभी इसको नोट करके, तो गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ तो बना ली है, लेकिन अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो काफ़ी, जब लोग आएंगे तो इब्राहिम ये लाजमी बात है गंदगी तो बनेगी, तो अभी चाहिए, ये हमने नोट किया है कि यहाँ काफ़ी जो है गंद बना हुआ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर कुछ डस्टबिन वगैरह इस तरह बनाए, लोग उसमें, तो लोग वहाँ जाके उसमें गंद रखे तो डैम भी गंदा नहीं होगा और ये जगह की खूबसूरती भी कायम रहेगी। तो हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया कि देखें, जैसे हम लाए थे तो वैसे ही हम लेके जाएंगे। आप बोतल की बात कर रहे हैं तो वो इसमें नहीं है, लेकिन आप हो सकता है फिर कमेंट में कहें कि ये बोतल, इसमें बोतल भी था, तो बोतल हमसे किसी ने मांग ली है, हमने उसको दे दिया है क्योंकि उसको पानी चाहिए था, तो उसकी गाड़ी गर्म हो गई थी तो बोतल हमने उसको दे दिया है। तो ये मत समझे कि हमने बोतल गिरा दिया है, बोतल भी हमने किसी को दे दिया है, ठीक है? और उनसे भी कहा है कि ये इसको फिर, और लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर गॉड सेक, इतनी प्यारी जगह है और हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें इसको जो है इसकी हिफाजत करनी चाहिए। हमारा एक कौमी विरसा है और एक अच्छा मुकाम है, तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें। ये नहीं कि ये एक पढ़े लिखे मुआशरे का यही क्या कहते हैं उसे, एक पहचान होती है। गुड पहचान होती है। अल्फाज का थोड़ा फुकदान है हमारे पास, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज सीखेंगे आप लोगों के लिए। तो देखें, अभी अच्छे पढ़े लिखे का यही पहचान होती है, पढ़े लिखे कौम की थी वो, अपने जो इसका विरसा है ये भी हमारा विरसा है, यहाँ पुरसकून इलाका है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर आप गंदगी ना फैलाएं और इस तरह की आप अवेयरनेस लोगों को भी दें जो यहाँ पर आए, उनसे भी कहें कि भाई आप यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं क्योंकि ये पिकनिक पॉइंट है, क्योंकि इससे ये गंदगी फैलेगी, जब एक बंदा करेगा फिर 100 करेंगे फिर 1000 करेंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे काफ़ी गंद बन जाएगा, तो फिर ये जो स्पॉट होगी ये पिकनिक पॉइंट नहीं होगी, ये आपको फिर क्या कहते हैं उसे, आपको तंग करेगी, आपको वो सुकून नहीं दे पाएगी, वेस्ट पॉइंट, और फिर आप इसको हेडिक पॉइंट कह सकते हैं, आपको ये हेडिक पोल्यूशन पॉइंट कह सकते हैं। देखिए, रिमेडिएशन जो कम चीज कमी करने वाली है उसको आप प्रमोट करें कि आप किस तरह एक चीज़ को कम कर सकते हैं। तो ऐसा एज अ पढ़ा लिखा आपसे कह सकते हैं, हम तीनों पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे कौम, पढ़े लिखे लोग भी इस तरह करते हैं, गन पिलाते हैं क्योंकि वो कहते हैं चलो जाने दो कौन लेके जाएगा वापस, तो ये आप इसको वेस्ट को आप प्रॉपर जगह पे उसको लेके जाए, तो ये एक वेरी गुड क्वेश्चन था, इसलिए हमारी काफ़ी वीडियो बन गई है। तो इब्राहिम, और आप कुछ कहेंगे? और कुछ नहीं, बस ये लास्ट था, और अभी लास्ट में हम कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। तो पाकिस्तान तो वाकई खूबसूरत है, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे, हम आगे भी जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इस तरह वीडियो बनाते रहेंगे, लोगों को हम बताते रहेंगे।